फ्रेंड्स, मैं रॉबिन आपका वार्म वेलकम करता हूं अपने चैनल रॉबिन टेक रिव्यू में। दोस्तों, अगर आप काफ़ी लिमिटेड टाइप ऑफ टीवी चैनल्स देखते हैं और डिश के महंगे मासिक किराए या हाई मंथली रिचार्ज से परेशान हैं, या आपके घर में कोई अलग सा टीवी है जिसका इस्तेमाल काफ़ी कम होता है, और यदि आप चाहते हैं कि उस टीवी में कोई एक ऐसा डिश कनेक्शन लगा दिया जाए जिसका कोई मासिक किराया या मंथली रिचार्ज ना हो, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए ही है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे आईपी टीवी सेट टॉप बॉक्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका यूज करके आप प्रीमियम चैनल्स को एंजॉय कर सकते हैं, वो भी बिना किसी मंथली रिचार्ज के या किसी मासिक किराए के। इसके लिए आपको कैसा भी मासिक भुगतान नहीं करना है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही टेक्निकल होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप काफी ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया तो ये सेट टॉप बॉक्स आप नहीं चला पाएंगे। इस सेट टॉप बॉक्स को यूज करने के लिए आपके पास चार चीजें होना बहुत जरूरी है। पहला, आपके पास ये डिश एंटीना होना चाहिए, उसमें लगने वाली ये LMB होनी चाहिए। तीसरा, ये एक LED टीवी या फिर एक CRT टीवी तो होना बहुत जरूरी है। ये डिस्क और LMB किसी भी कंपनी की हो चलेगा। अगर आपके पास ऐसी डिस्क और LMB नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से ये डिस्क और LMB परचेज कर सकते हैं। कोई भी डिस्क हो, कोई भी LMB हो, अगर वर्किंग कंडीशंस में है तो वो काम करेगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बॉक्स को सेटअप करने के साथ साथ इस डिस्क को किस सेटेलाइट की तरफ रखना है और किस एंगल में रखना है इसके बारे में भी सारी जानकारी दूंगा और आपको करके सिखाऊंगा, जिससे आप मैक्सिमम फ्री टू एयर चैनल को इंजॉय कर सकें। तो दोस्तों, करते हैं वीडियो को शुरू और आपको देते हैं सारी जानकारी कि कैसे आप फ्री टू एयर चैनल को हर महीने फ्री में एंजॉय कर सकें। तो उससे पहले, जो व्यूअर्स मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकॉन को हिट कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरीके की प्रीमियम वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलिए वीडियो को बॉक्स के स्पेसिफिकेशन से शुरू करते हैं और स्टेप वाइज आपको देते हैं हर वो इन्फॉर्मेशन जो आपको हेल्प करेगी फ्री टू एयर चैनल को देखने में। IPQ7 टीवी बॉक्स यूनिवर्सल LNB को सपोर्ट करता है, आप किसी भी LNB को यूज कर सकते हैं। इस बॉक्स की हेल्प से 64 सैटेलाइट को एक्सेस कर सकते हैं, साथ ही इंटरनेट डोंगल की हेल्प से आप इसमें MPEG-4 फॉर्मेट में फुल HD वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। ये टीवी बॉक्स 2500 ट्रांसपॉन्डर्स को भी सपोर्ट करता है और इसमें आपको USB पेन ड्राइव की हेल्प से सॉफ्टवेयर अपग्रेड और मल्टीमीडिया प्लेबैक की फैसिलिटी भी मिल जाती है। बॉक्स के फ्रंट पैनल में आपको मिल जाते हैं कुछ मैनुअल बटन जिसका यूज आप रिमोट के एक्सेस में कर सकते हैं, जैसे चैनल्स, वॉल्यूम्स, ओके एंड मीनू बटन। इस बॉक्स के बैक साइड में आपको मिल जाते हैं LNB लाइन इन सॉकेट, USB 2.0 का एक पोर्ट, एक HDMI पोर्ट, ऑडियो वीडियो इन का पोर्ट अगर आपके पास कोई पुराना CRT टीवी है तो उसके लिए, और पावर के लिए आपको मिल जाता है 12 वोल्ट का DC सॉकेट पोर्ट। राइट साइड में आपको मिल जाता है एक USB 2.0 का पोर्ट और एक इंफ्रारेड का पोर्ट। के साइड आपको वेंटिलेशन के लिए एक ग्रिल मिल जाता है। LNB लगाने के बाद आपको LNB वायर का पहला सिरा LNB में लगाना होगा, कुछ इस तरह से। बॉक्स को वायर सेटअप करने के लिए HDMI केबल का पहला सिरा टीवी के HDMI पोर्ट में लगाना होगा और दूसरा वाला सिरा बॉक्स के HDMI पोर्ट्स में लगाना होगा, कुछ इस तरह। ये आपका LNB वायर सॉकेट है और ये है आपका LNB वायर, जिसका एक पार्ट छत पर लगी LNB में जाता है और दूसरा वाला पार्ट बॉक्स के LNB में जाकर के लगेगा, कुछ इस तरह से। फिर आपको 12 वोल्ट वाला अडेप्टर 12 वोल्ट वाले सॉकेट में लगाकर बॉक्स को ऑन करना होगा। बॉक्स के ऑन होने पे इसका LCD पैनल भी ऑन हो जाता है। LCD पैनल में आपको अपने चैनल का नंबर, सैटेलाइट का नेटवर्क और साथ में ही ऑन एंड ऑफ के आइकॉन को भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये जो डिश एंटीना है और ये जो LMB है, इसको हम मोबाइल के कंपास एप्लीकेशन से सेट करेंगे। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि कंपास एप्लीकेशन क्या होता है और इसको कैसे यूज करते हैं। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कंपास एप्लीकेशन की हेल्प से ही आप डिश के एंटीना को उस सेटेलाइट से कनेक्ट कर पाएंगे, जिससे आप मैक्सिमम फ्री टू एयर प्रीमियम चैनल्स को एंजॉय कर पाएंगे। तो चलिए पहले मोबाइल एप्लीकेशन में कंपास को खोलते हैं और सीखते हैं। कंपास में आप दो आइकॉन देख रहे हैं, पहला आइकॉन है कंपास और दूसरा आइकॉन है लेवल। कंपास की हेल्प से हमें डिस्क की दिशा को निर्धारित करने में हेल्प मिलेगी। आप देख सकते हैं कि कैसे मोबाइल को हॉरिजेंटली मूव करने से कंपास का एरो मूव करता है और ये आपको दिशा बताता है, जैसे कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अभी आप देख सकते हैं कि अपना मोबाइल 165 डिग्री साउथ की ओर दिशा को बता रहा है। फिर जो दूसरा लेवल का ऑप्शन है,
है वो आपको डिस्क का एंगल सेट करने में हेल्प करेगा। जब आप मोबाइल को अप डाउन करेंगे तो ऐप में वाइट सर्कल है वो ब्लैक सर्कल के साथ सिंक्रोनाइज होकर एंगल को सेट करने में आपकी हेल्प करेगा। आप देख सकते हैं इस वक्त आपका मोबाइल वर्टिकली 45 डिग्री एंगल पर आ चुका है। तो आपको इसी टूल्स की हेल्प से अपने डिस्क को सेट करना है। LNB को कॉन्फ़िगर करते समय आपको LNB की ये सेटिंग रखनी है, -25 को 20 के सामने, 0 को 0 के सामने और +25 को 20 के सामने रखकर आपको LNB को सेट करना है। अब हम मोबाइल कंपास की हेल्प से अपने डिस्क को हॉरिजेंटली सेट करेंगे। कंपास टूल को ऑन करके हमें अपने मोबाइल को LNB स्टैंड पर इस तरह रखना है कि मोबाइल का हेड ऊपर की तरफ हो। अब सावधानी के साथ हमें डिस्क को लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट मूव करना होगा, जब तक हमें मोबाइल कंपास में 164 डिग्री साउथ की दिशा सेट नहीं हो जाती, क्योंकि 164 डिग्री साउथ बेस्ट दिशा है फ्री टू एयर चैनल के लिए। तो तब तक डिस्क को घुमाते रहिए जब तक हमें 164 डिग्री साउथ की दिशा न मिल जाए। अब डिस्क के एंगल को सेट करेंगे। एंगल को सेट करने के लिए कंपास ऐप के एंगल वाले सेक्शन में जाएंगे और फिर मोबाइल को LNB स्टैंड के ऊपर इस तरह रखेंगे कि मोबाइल का हेड ऊपर की तरफ हो। फिर डिस्क को ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेंगे। ऐसा करने पर कंपास ऐप आपको एंगल दिखाता जाएगा। जहां पर वर्टिकल लिखा हुआ है आपको सावधानी से धीरे धीरे तब तक डिस्क को मूव करना है जब तक डिस्क का एंगल 45 डिग्री ना हो जाए। जैसे ही एंगल 45 डिग्री हो जाएगा आपको इस स्क्रू को अच्छे से टाइट कर देना है। स्क्रू को टाइट करते समय डिस्क के पीछे ये जो एंगल ग्राफ देख रहे हैं और ये जो स्क्रू देख रहे हैं ये दोनों इसी पोजीशन पर होने चाहिए जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हैं। 50 और 60 अंकों के बीच में इसी पोजीशन को ध्यान में रखते हुए स्क्रू को टाइट कर दीजिए। तो देखा दोस्तों, ये था प्रोसेस डिस एंटीना को सेट करने का। इसको सेट करने के बाद आप फ्री टू एयर चैनल एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको डिस एंटीना को सेट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इसमें घबराने की बात नहीं है। तो आप किसी लोकल डिस ऑपरेटर वाले को बुला करके डिस एंटीना को सेट करवा सकते हैं। वो 200 से 300 रुपये चार्ज करेगा इसका और आपके डिस एंटीना को इस तरीके से सेट कर देगा कि आप मैक्सिमम प्रीमियम फ्री टू एयर चैनल को एंजॉय कर सकते हैं। डिस एंटीना के सेट हो जाने के बाद अब चलते हैं मेनू को सेट करते हैं। मेनू को सेट करने में भी काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ये जो प्रोसेस है इसको भी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सेटिंग में अगर आपने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो फ्री टू एयर चैनल आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। बॉक्स के ऑन होने के साथ कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स को करना ज़रूरी होता है। टाइम सेट करने के बाद आपको एंटीना सेटिंग में आना है। इसमें आपको किसी भी सेटिंग को चेंज नहीं करना है। आपको देखना है कि LNB का पावर ऑन है कि नहीं और स्टार्ट सर्च के ऑप्शन में सैटेलाइट का ऑप्शन रखना है। फिर आपको ओके का बटन प्रेस करना है। सैटेलाइट सर्च का एक और ऑप्शन आपको मिल जाएगा, उसमें आपको FTA, इसका मतलब होता है फ्री टू एयर चैनल, इसके ऑप्शन में आपको यस करना है। टीवी रेडियो के ऑप्शन में भी आपको ऑल करना है और NIT नेट सर्च के ऑप्शन में आपको यस करके ओके दबाना है। फिर चैनल सर्च करने के लिए छोड़ देना है। अब आगे हम देखेंगे कि हमें कौन कौन से चैनल फ्री में देखने को मिल चुके हैं। मैं चैनल को ब्राउज करता जाऊंगा और आप लोग देखते जाइएगा कि कौन कौन से चैनल हमें फ्री में मिल चुके हैं। मिनिस्टर यहाँ रेड फोन पे केसरी बाव केस तुमसे लाइक मिला शोगुर जी को
शादी भी है और भी चलेगी। होता है आप अपना हिजाब पहन के डिबेट टोपी वाली सेना पर करारा झांसी की रैली में सपा सरकार पर जमकर बढ़ते थी मैं भी हारने वाले योगी जी चल रिएक्शन था क्या सोचा क्या लगा तो देखा फ्रेंड्स कैसे आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट में डिश के फ्री प्रीमियम चैनल्स को लाइफ टाइम एंजॉय कर सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अभी बहुत से प्रीमियम चैनल्स को फ्री टू एयर चैनल्स में जोड़ने की तैयारी की जा रही है और सुनने में ये भी आ रहा है कि आप सोनी स्टार जी जैसे प्रीमियम चैनल्स भी फ्री टू एयर चैनल के लिस्ट में आ सकते हैं। तो फ्रेंड अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के आइकॉन को हिट कर लीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपको उसका आंसर वहां पे दूंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फॉर।